अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ सेगमेंटेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, इन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एमफिल क्लासेस, जो एमएससी की क्लासेस हैं। हम सब में ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये उसके मेजर मेमोरी मैनेजमेंट का है। अब इसको सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले आप लोग प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सेगमेंटेशन जो है एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है वो आपके जो प्रोसेसेस हैं जो क्रिएट होते हैं, आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब वो प्रोसेस जो हैं उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं, सब कुछ है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होनी है, मेमोरी में लोड होंगी तो एग्जीक्यूट होंगी। तो मेमोरी आपकी इतनी मेमोरी में एक लिमिटेड उसका साइज़ होता है जिसमें आपको ये लोड करवाना होता है, और जो समटाइम्स आपको मेमोरी मैनेजमेंट के लिए स्वैपिंग भी करना पड़ती है, जिसमें आप कुछ आप मेमोरी से जो डेटा है जो यूज़ नहीं हो रहा वो समटाइम के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी में सेंड कर देते हैं, और वहाँ से फिर जो आपको लोड करवाना है प्रोसेस दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, वो आप वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं किसमें, मेमोरी में। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है सेगमेंटेशन, इससे पहले हमने पेजिंग भी की है। इट इज़ यूज्ड वेयर द प्रोग्राम इज़ लार्ज, जब आप तो वहाँ पे आपको मेमोरी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती मेमोरी में, तो उनके सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं मेमोरी के, और फिर आप उन सेगमेंट्स को जो है जो प्रोसेस सेगमेंट्स एग्जीक्यूशन में वो तो आपके मेन मेमोरी में लोड होंगे, और जो दूसरे हैं वो आपके जो हार्ड डिस्क में वो भी हो सकते हैं। तो स्वैपिंग होती रहती है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इस तरह से मेमोरी को मैनेज कर लिया जाता है जब आपके प्रोग्राम जो है वो लार्ज है डेटा और प्रोसीजर्स की। और फिर इसमें यूज़ होता है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल क्या है, जिसमें सारे सेगमेंट्स की डिटेल्स रखी जाती हैं। जब सीपीयू जो है वो सेगमेंट्स क्रिएट करता है, तो उसकी एंट्री जो है सीपीयू जो है उस जो उसके एड्रेस दो चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है सेगमेंटेशन में जो स्टोर होती हैं। सबसे पहले तो उसका बेस एड्रेस और दूसरा लिमिट। बेस एड्रेस क्या है कि कहाँ से फिजिकल एड्रेस उसका स्टार्ट हो रहा है, और लिमिट क्या है मतलब उसकी टोटल लेंथ क्या है, एंड कहाँ पर हो रही है उसकी जो वो मेमोरी का एड्रेस कहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये टू डायमेंशनल इसकी ये टेबल होता है, जिसमें इस मेमोरी में ये स्टोर होता है टेबल, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो जैसे जैसे सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं उसकी ये दो एंट्रीज जो हैं उस सेगमेंट की ये होती जाती हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके सेगमेंट की। फिर टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन एंड द अदर इज़ द सिंपल। वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके जो सेगमेंट्स हैं विच आर रेजिडेंट एट द एनी वन पॉइंट इन वन टाइम, लेकिन जो सिंपल है रेजिटेशन इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंसेक्टिव ही आपके सेगमेंट्स जो हैं वो पड़े हों मेमोरी में। अब ये डायग्राम हम देखते हैं, डायग्राम में सीपीयू ने जनरेट किया है बेस, ठीक है, जो भी दो एंट्रीज हैं उसमें बेस एंड लिमिट, आप सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट, ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। अगर चेक किया जाता है कि अगर ऑफसेट जो है वो लेस देन लिमिट है उसका तो सेगमेंट का, तो वो वैलिड है और उसका फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट हो जाता है, और अगर वो इनवैलिड है तो वो एरर जो है शो करता है कि इनवैलिड है। अब ये मेन मेमोरी है, देखिए मेमोरी है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है लोड हुआ हुआ है, सेगमेंट्स हैं और सेगमेंट टेबल है मेमोरी में। तो ये सेगमेंट डिफरेंट ज़ीरो से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4 जो सेगमेंट जितने भी प्रोसेस हर प्रोसेस को मतलब एक जो प्रोसेस है उसको सेगमेंट मिल जाएगा, उसमें वो अपने डेटा को स्टोर कर लेगा। नीड क्यों है इसकी सेगमेंटेशन की, एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जो हम पहले पेजिंग उसमें यूज़ पेजिंग टेक्निक हमने पहले डिस्कस की हुई है, पेजिंग टेक्निक जो है वो डिक्रीज़ करती थी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पेजिंग इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो उसके लिए क्योंकि इसमें जो पेजिंग है उसमें फंक्शंस जो थे वो डिफरेंट जो हैं वो लोड होते थे मेमोरी में
सेम फंक्शन नहीं होते थे एक पेज में, बट इन दिस सेगमेंटेशन सेम फंक्शंस आर यूज टू बी स्टोर इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, डिफरेंस अब हम चेक करते हैं सेगमेंटेशन और पेजिंग का। डिफरेंस जो है पेजिंग और सेगमेंटेशन का, सबसे पहले तो देखें कि ये पेजिंग जो है वो क्लोजर टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन जो सेगमेंटेशन है दैट इज़ क्लोजर टू यूज़र रादर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र व्यू कर सकता है सेगमेंटेशन। पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है जबकि सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है। और पेजिंग इंफॉर्मेशन उसमें पेज टेबल में स्टोर करता है, इसमें सेगमेंट टेबल होता है। पेजिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है लेकिन इसमें कंपाइलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्किंग ऑफ सेगमेंटेशन। पेजिंग डिवाइड करता है, उसमें वेरियस फिक्स साइज़ के पेजेस होते हैं लेकिन इसमें वेरिएबल साइज़ के सेगमेंट्स होते हैं। पेजिंग में जो पेज टेबल में पेज नंबर और पेज ऑफसेट होता है, इसमें सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट होता है। पेजिंग फास्टर है टेक्निक बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट। जो सेगमेंटेशन है इट इज़ एफिशिएंट एंड स्लोअर देन द पेजिंग। और इसमें मेमोरी जो है वो कंसेक्टिव भी हो सकती है और इसमें जो है नॉन, इसमें बोथ जो है ये तकरीबन सेम सेम है। और इस ये जो एंट्री अच्छा, इसमें जो मेमोरी है कंसेक्टिव नहीं हो सकती एलोकेशन दोनों में। फिर इसमें जो एंट्री होती है उसमें फ्लैग बिट और फ्रेम नंबर होता है, जिसमें जो पेज जो सेगमेंट टेबल में जो एंट्री होती है पेज एड्रेस और सम प्रोटेक्शन बिट्स ऑफ सेगमेंट्स होते हैं इसमें। अब ये सीपीयू की ट्रांसलेशन बताइए कि सीपीयू किस तरह से, सीपीयू जो है टू थिंग्स, इसकी लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट करता है उसकी दो चीज़ें होती हैं, सेगमेंट नंबर और सेकंड वन इज़ ऑफसेट। सेगमेंट नंबर के कौन सा सेगमेंट है और ऑफसेट जो है, अच्छा वो सेगमेंट नंबर मैं आपको पहले ही इसमें डिटेल बता चुकी हूँ कि ये फिर उसकी कंपैरिजन होता है और मेमोरी में फिजिकल मेमोरी किस तरह से उसका एड्रेस जनरेट होता है। एडवांटेजेस हम देखते हैं, एडवांटेजेस सेगमेंटेशन के ये हैं, इसमें सेगमेंटेशन में लेस ओवरहेड है, ओवरहेड है सेगमेंटेशन का, और इंटरनल इसमें फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है। साइज़ टेबल जो उसका सेगमेंट टेबल उसका साइज़ कम होता है और एवरेज साइज ऑफ सेगमेंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ पेज। और हम ईजीली रीलोकेट कर सकते हैं सेगमेंट्स को एज़ कम्पेयर टू द एड्रेस स्पेस। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कॉस्टली टेक्निक है और इसमें जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यूज़ होती है और इसमें वेरी